सेना। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। प्लीज अहमद। अरे सॉरी ना, मुझे रात को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस कुछ ज्यादा रूड हो गया। तुम्हें पता है अहमद, तुम जैसे मर्दों का मसला क्या है, उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझते हैं कि अगर औरत पे पाबंदी लगाएंगे तो वो मर्द बन जाएंगे, इसीलिए वो उनके खाने पे, पीने पे, उठने पे, आने जाने पे, हर चीज पे पाबंदी लगाना पसंद करते हैं। मैं दोबारा झगड़ा करना नहीं चाहता, वैसे भी एक दो दिन में हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह अच्छी यादें लेके जाना चाहता हूँ। अहमद, अच्छी यादों के साथ ये खुशफहमी अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूंगी। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही, तुम्हें मेरी बातों में पाबंदी नजर आती है, तंग जहनी नजर आती है, मेरी मोहब्बत और फिक्र नजर नहीं आती। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने कभी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे लगता है कि चूड़ियाँ पहनने से मैं कैद हो जाती हूँ और कैद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या? रिंग है, और क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये रिंग दोबारा मत पहनना। अहमद, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि मुझे अपने इशारे पे चलाने की कोशिश मत करना। क्या बेहूदगी है निशा, उतारो इसे। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सब समझ रहा, छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना सब जानता हूँ, पीछे हट रही हो तुम। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो बाकी पीछे हट जाओ। क्या पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो हेमर। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। देखता हूँ कैसे खत्म करती हो ये रिश्ता, तो जान ले लूंगा तुम्हारी।